अच्छा, काम के बाद लोभ आया, अतृप्ता तृप्ति नहीं हुई जीने से, फिर क्रोध आया, संजात कोपः, बाधा पड़ी लोभ में तो क्रोध आया, क्रोध आया तो फिर भांडा फोड़ दिया, हिंसा हुई, तो फिर डर आया, तो भगे, डर आया तो पलाये, और भगे तो फिर पकड़े गए, और पकड़े गए तो रोए, और रोए तो बधना पड़ा। तो ये ब्रह्म हो, कामी हो जाए, लोभी हो जाए, क्रोधी हो जाए, भयभीत हो जाए, भगोड़ा हो जाए, रोने वाला हो जाए, ये सब दोष ब्रह्म में कहां से आए? तो यही प्रेम की पराधीनता है। ब्रह्म भी जब प्रेम के परवश होता है, ब्रह्म भी जब प्रेम के पराधीन होता है, तो अपने स्वरूप के विपरीत गुण धर्म को स्वीकार करके भी अपने प्रेमी को संतुष्ट करता है, अपने प्रेमी की इच्छा पूर्ण करता है। इतना बड़ा वात्सल्य अपने भक्त के प्रति, अपने भक्त के प्रति इतना बड़ा प्रेम कि अपना सब कुछ छोड़ करके, है ना, अपनी निर्गुणता छोड़ के, निराकारता छोड़ करके, निर्धर्मकता, निर्विशेषता छोड़ करके नारायण कहो, और एक ग्वालिनी के हाथों रस्सी में उखल के साथ बन जाना, एक और पत्थर, एक और उखल, है ना, एक और उखल और एक और श्याम सुंदर, और रस्सी से बंधे हुए। क्यों भाई, ये बात कहां से आई? तो ये देखो, ये भगवान की कृपा अपने भक्त पर, और भक्त का प्रेम भगवान पर, जहां बंधन बिल्कुल योग्य नहीं है वहां बंधन उपस्थित हो गया। तो ये सब प्रसंग आपको कल बंद नहीं रहेगा, और कल श्री यशोदा मैया मंथन में लग रहे हैं। ये मंथन का वर्णन कई बार किया, निर्ममंथ स्वयं दधि,
दिगलन मालती निर्ममंथ मथनंती जननी हरि कभी निर्मंथने काले। अभी मैं ये चौथा श्लोक अध्याय का पढ़ रहा हूं। काम स्तन काम आता थे और चार श्लोकों में चार बार मंथन शब्द का प्रयोग किया। निर्ममंथ स्वयं दधि, दधि निर्मंथने काले, दिगलन मालती निर्ममंथ, मथनंती जननी हरि। चारों श्लोकों में मंथन का वर्णन है। इसका अर्थ है कि भगवत प्राप्ति में मंथन का बड़ा महत्व है। क्योंकि भगवान कहीं दूसरे देश में छिपे हुए नहीं है और उनकी प्राप्ति के लिए किसी दूसरे समय की प्रतीक्षा भी करने की जरूरत नहीं है और वो किसी चीज में हो किसी में ना हो ऐसा भी नहीं है। सब जगह है, सब समय है और सब में है। श्रुति ने वर्णन किया तिले तु तैलम दधनी व करती, जैसे तिल में तेल रहता है और जैसे दही में घी रहता है ऐसे सारी सृष्टि में परमात्मा भरपूर है। तो मिलता कैसे है? तो मिलता है मंथन से। मथो तो मिलेगा। तो कहां मथ है? ज्ञानी लोग विवेक का मंथान लेकर के, विवेक की मथानी लेकर के श्रुति का मंथन करते हैं। योगी लोग जो हैं वो अभ्यास की मथानी लेकर के अपने अंतरंग का मंथन करते हैं। परंतु ये जो प्रेमी लोग हैं उनको भीतर मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, उनको श्रुति में मंथन करने की जरूरत नहीं है। यहां तो उपनिषद अर्थ मुनु खले निबद्धा, उपनिषदों का परम तात्पर्य उखल में बांध के रखा गया है। माने ये अंतर्यामी ईश्वर की शोध नहीं है, ये तो बहिर्यामी आंखों के सामने रहने वाले इसी जीवन में इन्हीं इंद्रियों से परमेश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा है। तत्व उनको खिलाने पिलाने के लिए दही मत करके उसमें से ताजा मक्खन निकालना है और ये उनको खिलाना है। ये जिन लोगों को ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ईश्वर को कहीं सातवें आसमान में रहता है, ईश्वर को सूक्ष्मा की सूक्ष्म है, ईश्वर को हृदय में ही मिलता है, ईश्वर को ज्ञान स्वरूप ही है, सुनते 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 जिनकी बुद्धि में इन बातों का संस्कार ज्यादा पड़ जाता है ना, उनके गले के नीचे है ये बात जल्दी नहीं उतरती है। हो तो इसमें बात का दोष नहीं है, उनके संस्कार का दोष है। ऐसे संस्कार उन्होंने अपनी बुद्धि में डाल लिए कि ईश्वर को अपने से दूर बनाते चले गए, दूर बनाते चले गए। वो आंख में नहीं आएगा, दिल में आएगा तो दिल में नहीं आएगा, दिमाग में नहीं आएगा, दिमाग में आएगा तो दिमाग में नहीं आएगा, वो तो सातवें आसमान में रहता है, ये दूर फेंकते गए। तो असल में जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं उनके लिए भगवान बहुत दूर हैं और जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके लिए भगवान बहुत निकट है। तो कल आपको जसोदा मैया का स्वरूप बताया कि क्या क्या छोड़ करके जसोदा मैया दही मत रही है, स्व सुख का परित्याग करके।
आराम का परित्याग करके, श्रृंगार का परित्याग करके, देहाभ्यास का परित्याग करके, वो तो अपने लाला के लिए दही मथने में लगी है, ये सेवा है। तो वो तो हुआ कृष्ण का प्रेम, यशोदा के हृदय। अब जरा देखो, कृष्ण के हृदय में प्रेम यशोदा माता के प्रति, ये प्रीति की रीति है कि एक में रहे और एक में न रहे तो अधूरी हो जाती है। तारीफ से बहुत मिलती है, एकांगी प्रीति की प्रशंसा तो बहुत मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो चातक को लेकर के बहुत सारे दोहे लिखे हैं। चातक का प्रेम सबसे बढ़िया है, बादल उसका कितना तिरस्कार करता है, लेकिन चातक तो बादल से प्रेम करता है। तो प्रेम करना एक ओर की अपने दिल की बात है कि हम प्रेम दे रहे हैं, परंतु जो प्रेम रस के रसिक हैं, उसके स्वाद को जानने वाले हैं, उन लोगों का कहना है कि असल में प्रेम पूर्ण तब होता है जब समरस होता है। जितना प्रेम राधा के हृदय में कृष्ण के प्रति है, उतने प्रेम जब कृष्ण के हृदय में राधा के प्रति होगा और दोनों ओर से प्रेम रस की तरंग उठ उठ के आपस में मिलेंगी, तब जो प्रेम का आनंद होगा वो एक ओर से प्रेम करने पर एकांगी प्रेम में वो स्वाद वो आनंद वो रस नहीं आता है। प्रेम में जुगल का सामरस्य चाहिए। इसी से जहां श्री राधा रानी घर से निकलकर कृष्ण से मिलने के लिए जाती हैं, अभिसार करते हैं, तो उसमें राधिका रानी का प्रेम अधिक है। और जहां श्री कृष्ण छद्म करते हैं, देश बदल बदल करके राधा रानी से मिलने के लिए जाते हैं, तो वहां कृष्ण का प्रेम अधिक है। परंतु जहां दोनों का प्रेम सम भूमिका में है, वहां दोनों एक साथ रहते हैं, एक क्षण के लिए भी दोनों में विरह नहीं होता, तो प्रशंसा करने योग्य प्रेम एकांगी प्रेम है। परंतु प्रेम का आनंद जो है वो जब दोनों के हृदय में प्रकट होता है तब पूर्ण होता है, ये प्रीति की रीति है। इसी से बोलते हैं कि चक्रवात का जो प्रेम है वो अधूरा, चक्रवात चकवा चकई, दिन भर एक साथ रहते हैं और रात में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हम लोग महाबलेश्वर गए थे, वहां कुछ लोगों ने बताया कि एक पक्षी इस किनारे रहता है रात में और एक उस किनारे, और वो वहां से पुकारता है, ये यहाँ से पुकारता है, और दोनों दोनों के पास नहीं जाते हो, एक नदी के उस पार एक नदी के इस पार, और रात भर दोनों पुकारते रहते हैं। तो बोले उनको संयोग सुख का ज्ञान नहीं है, वो प्रेमी है विरही है, उनके प्रेम का महात्म्य है, परंतु वे प्रेम का स्वाद नहीं जानते हैं। तो भाई ऊटी गए तो वहां देखा एक सरोवर में सारस जोड़े जोड़े साथ साथ रहते हैं, उनमें से एक मर जाए तो दूसरा फिर पीट के मर जाता है, वो भी अपने को पटक देता है, तो उनको वियोग का दुख नहीं मालूम है। जिसको वियोग का दुख नहीं मालूम है वो संयोग का मूल्यांकन नहीं कर सकते, और जिनको संयोग का सुख मालूम नहीं है, केवल वियोग ही वियोग है, वे भी प्रेम सुख को नहीं जान सकते। मछली को प्रेम का ज्ञान है लेकिन जल को नहीं है, चकोर को प्रेम का ज्ञान है लेकिन चंद्रमा को नहीं है। तो जहां एक ही ओर प्रेम है वहां प्रेम अधूरा, प्रेम में पूर्णता नहीं। प्रेम में पूर्णता तब आती है जब दोनों ओर से प्रेम का उदय होता है, उसको प्रेम का सामरस्य बोलते हैं, दोनों में रस की समता,
परस्पर दो चकोर दो चंदा, परस्पर दोनों चकोर हैं और दोनों चंद्रमा हैं, दोनों के हृदय में प्रीति की तरंग है। अब देखो ब्रज की क्या विशेषता है। ब्रज में एकांगी प्रेम नहीं है किसी का हो, ऐसा वर्णन आता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम में व्याकुल रहते हैं। अनेक स्थान पर भागवत में वर्णन आया है ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण के रोदन का। यशोदा मैया की गोद में अपना सिर रख करके और श्री कृष्ण भगवान रोने लगते हैं। यशोदा मैया कृष्ण से प्रेम करती हैं, ये ठीक है, तभी तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के लाला के लिए मक्खन निकाल रही है। लेकिन कृष्ण भी यशोदा मैया से प्रेम करता है। तो आप देखो ये दोनों ओर का जो प्रेम है ना, ये आपस में एक से दूसरा तर जाना चाहता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, काम स्तन्य का मया साध्य मथनंती जननी हरि गृहीतवादिमंथान न्यषेधत प्रीतिमा वहन। मैया मत रही है और श्याम सुंदर स्तन्य काम हो रहे हैं। देखो एक अरबपति हो और किसी के घर गरीब के घर में जाके बोले कि तुम हमको एक नया पैसा दे रहे हो, है ना? देने प्रेम नहीं होता है, वो मांगने में बड़ा प्रेम होता है। देने ही देना प्रेम नहीं है, मांगने में प्रेम होता है। एक गरीब है, उसका प्रेम है ये कि वो अपना सर्वस्व दे देना चाहता है अपने प्रियतम को। है गरीब लेकिन सेवा करना चाहता है बड़ी, ये उसका प्रेम है। और एक आदमी है बड़ा संपन्न लेकिन वो छोटी से छोटी सेवा करना चाहता है। बड़े की ओर से छोटी सेवा होना, छोटी सेवा करने में तत्पर है, प्रेम कहलाएगा। और एक आदमी के पास है बहुत थोड़ी शक्ति, है बहुत थोड़ी चीज, लेकिन वो सब की सब अपने प्रियतम के चरणों में अर्पित कर रहा है, तो हमारे अनेक प्रसंग देखे हुए हैं। एक महात्मा के पास एक बहुत धनी सज्जन आए, बोले महाराज आज्ञा करो आपकी क्या सेवा करें। तो देखो बिल्कुल ना कह देना कि हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, ये बात नहीं बनती हो। महाराज बोले कि मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं, हाँ भिजवा देना, बोला हाँ चार पापड़ भिजवा देना महाराज। अब उनको पापड़ भेज के क्या खुशी हुई, है ना? पापड़ भेज के क्या खुशी हुई। तो हम एक सज्जन के यहाँ जाते थे पहले, जब घर में थे, जब ब्राह्मण थे जस्ती दास थे तो हमारे यहाँ ब्राह्मण कले में गुरु वृत्ति होती थी। हमारे घर की जो वृत्ति थी ना, तो हमारे पिता पितामह उनके चेले बहुत थे। तो एक हमारे पिताजी के शिष्य थे, उनके घर में हम जाते, तो बड़े संपन्न थे, पांच सात नौकर थे उनके यहाँ, कम से कम काम करते थे। तो जब हम उनके घर में जाते
तो जितनी देर उनके यहाँ घंटे दो घंटे रहते ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे गांव से 2-3 मील का पड़ता था, तो वो चारपाई पर नहीं बैठते थे, वो धरती पर, आसन पर नहीं बैठते थे, धरती पर बैठते थे। अच्छा, जब हम स्नान करते तो अपने हाथ से पानी खींचते थे। अच्छा, जब हम भोजन करते, भोजन तो पक्की करते, कच्ची नहीं करते, इनके यहाँ क्षत्रिय थे, राजपूत थे, तो अपने हाथ से सब काम करते। हमको ये याद नहीं है कि कभी उन्होंने हमको पैसा दिया होगा, पैसा मैं लेता भी नहीं था बोला, तो कभी उन्होंने पैसा दिया होगा हमको इस बात का बिल्कुल स्मरण नहीं है। पर ये चमत्कार आपको सुनाऊं क्या हुआ। आजकल 20वीं शताब्दी में लोग चमत्कार पर विश्वास तो नहीं करते हैं, बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, साइंसदान लोग हो गए हैं, लेकिन जो अपने अनुभव में आया उसको क्या बता रहे हैं आजकल। एक बार वे बहुत बीमार थे, मैं गीता ट्रस्ट से गोरखपुर से घर आया तो बीमार सुनकर उनको देखने गया। बीमारी में भी वो चारपाई पर से उतर गए और जैसा उनका नियम था धरती पर बैठ गए, बैठने के बाद लेट गए। तो मेरे मन में आया कि हे भगवान इनको अच्छा कर रहे, देखो आप तो सुनाते हैं। सायंकाल का समय था, ये सायंकाल था, मेरे मन में आया कि हे भगवान इनको अच्छा कर दो, अब मेरे ही चमत्कार है बोला, दूसरे का नहीं है। जब मैंने ये सोचा तो नींद आ गई। नींद में एक महात्मा जो हमारे बहुत परिचित और हमारे ऊपर बड़ी कृपा करने वाले सिद्ध महापुरुष थे, नींद में प्रकट हुए और हमको कोड़े से मारने लगे हो, बोले कि ये आदमी जो है ये ब्रह्मघाती है, इसने ब्राह्मण की हत्या करी है और ये परसों मर जाएगा। उसी आदमी की बात कर रहा हूं जो है ना, जो हमारे सामने कभी चारपाई पर नहीं बैठते थे, अपने हाथ से पानी खींच के स्नान कराते थे और बड़े ब्राह्मण भक्त थे, और इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि ये ब्रह्मघाती है। तो उन महात्मा ने हमको स्वप्न में बताया कि ये ब्रह्मघाती है और परसों ये मर जाएगा, और तुम जो ये भगवान से प्रार्थना करते हो कि हे भगवान इसको अच्छा कर दो, ये तुम्हारे मन की कमजोरी है, ऐसी कामना तुम्हारे चित्त में नहीं आनी चाहिए। अच्छा भाई, तो नींद टूट गई और मैंने उनसे तुरंत पूछा, तो वो बैठ गए और रो रो के उन्होंने अपनी सारी बात बताई कि उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्म हत्या कैसे की थी, सब बता दिया हो। अच्छा, मरने वाली बात मैंने उनको नहीं कही। परसों जब मैं वहां से चला तो स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते आदमी फिर आया दौड़ा हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई, आप लौट चलो, मरे परसों। तो ये बात आपको सुनाते हैं कि प्रीति जो होती है वो दोनों ओर जड़पन की जो दीवार है ना उसको मिटा देती है। अगर भगवान से कोई प्रेम करे तो भगवान उसके सामने बड़े होकर के नहीं आते हैं, भगवान उसके सामने छोटे हो जाते हैं। जसोदा मैया श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, अब श्री कृष्ण उनके लिए ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म माने बहुत लंबे चौड़े नहीं है, उनके लिए वो अविनाशी नित्य अमर अनादि नहीं है, बालक है और नन्हे से गोद में समा जाए इतने ही है, मुट्ठी में आ जाए इतनी कमर है, है? और गोद में बैठ जाए इतना वजन है, और मंद मंद मुस्कुराते हैं, प्रेम भरी चितवन से देखते हैं, ये श्री कृष्ण इतने छोटे कैसे हो गए। तो जसोदा मैया के प्रेम का उपभोग करने के लिए बड़े से छोटा बनने की, बड़े से छोटा बनने की जरूरत नहीं हो नारायण, ये प्रीति की रीति है, यही ईश्वर का साधारणीकरण है।
संसार में प्रेम करोगे तो राग होगा, मोह होगा, पक्षपात होगा, दूसरों से द्वेष होगा, घृणा होगी, गिलानी होगी, ईर्ष्या होगी, स्पर्धा होगी। और ईश्वर से प्रेम करोगे चित्त निर्मल हो जाएगा। ईश्वर से जो प्रेम किया जाता है वो चित्त की निर्मलता के लिए किया जाता है। अब यहाँ जो स्तन्य काम कृष्ण का वर्णन है, ये वर्णन है क्यों भाई? ब्रह्म को कभी कामना होती है? ईश्वर को कभी कामना होती है? तो नहीं, जो ईश्वर का स्मरण करते हैं उनको भी कामना नहीं होती है, जो ब्रह्म का अनुभव करते हैं उनको भी कामना नहीं होती है। अधिक अनुभवी की तो बात छोड़ो, जो ब्रह्म जिज्ञासु होते हैं ना, जिज्ञासु, उनको भी कामना नहीं होती है। तो जब नाम लेने वाले में काम नहीं, स्मरण करने वाले में काम नहीं, जिज्ञासा करने वाले में काम नहीं, अनुभव करने वाले में काम नहीं, तो स्वयं ब्रह्म में ये काम कहां से आया कि वो मैया का दूध, यशोदा मैया का दूध पीना चाहते हैं, ये कामना उनके अंदर कहां से आई? देखो, अब ये प्रेम का जादू है। जादू वो जो सिर पकड़ के बोले, यशोदा मैया के हृदय में इतनी प्रीति है, इतनी प्रीति है, है? और उस प्रीति से उनका हृदय इतना मीठा हो गया है कि ब्रह्म सोचता है कि यदि इस माधुर्य का आस्वादन मैंने नहीं किया, ये जो यशोदा मैया का मीठा मीठा वात्सल्य से प्रेम से मधुर मधुर जो हृदय है, इसका रस अगर मैंने नहीं पिया तो मेरा ब्रह्म जीवन भी व्यर्थ है। ये बोलने की शैली संस्कृत भाषा में है। कई सोरम सफली करो कलयन कुंजे विहारम हरे हे, गोपियों के साथ भगवान विहार करते हैं, बोले अपने किशोर अवस्था को सफल बनाते हैं। माने गोपियों के साथ क्रीड़ा किए बिना उनकी किशोर अवस्था निष्फल है। इसी प्रकार यशोदा मैया का दूध पिए बिना उनका शैशव व्यर्थ है। उनका शिशु होना, ब्रह्म का शिशु होना व्यर्थ हो जाए यदि यशोदा मैया का दूध वे न पिए। ये प्रीति की रीति है। तो काम स्तन्य काम आसाद्य मथनंती जननी हरि। अब ताम तथा भूताम कबर विगलन मालती काम श्रृंग वक्राम, जिसके मुंह से पसीना छूट रहा, जिसके चूर जूरे से मालती के फूल गिर रहे, जो दधि मंथन कर रही, ऐसी माता के पास स्तन्य की कामना वाले, दूध पीने की कामना वाले हो करके भगवान आए। कामना बुरी है ना, ये तो सब जानते हैं। जो साधन भजन के मार्ग में चलता है वो जानता है कि कामना बहुत दुख देती है, इच्छा बहुत दुख देती है। लेकिन महाराज, कोई ऐसी चीज होवे दुनिया में जिससे ईश्वर के मन में भी कामना उत्पन्न हो जाए? देखो, मक्खन नहीं खाना चाहते हैं, ये भी तो देखो, यशोदा मैया खिलाना चाहती है मक्खन, दही मत के निकाल रही है कि हम मक्खन खिला रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि हम मक्खन नहीं खाएंगे, तुम्हारे स्तन का दूध पिएंगे। अब देखो, प्रेम में होड़ लगी कि नहीं? यशोदा मैया का प्रेम है कि सब माखन खिलाएंगे, और कृष्ण का प्रेम है कि हम तो तुम्हारा दूध पिएंगे, बढ़ गए ना। अब ये कृष्ण का प्रेम मैया के प्रेम से आगे बढ़ा। बोले कि हम कोई मक्खन के भूखे नहीं हैं, हमारे पास दूध के बहुत समुद्र हैं, आप जानते हैं। एक ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर, मान लो एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर, और अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि क्षीर सागर, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण बोले हमको दूध की कमी नहीं है, दही की कमी नहीं है, हमारे दही के भी समुद्र हैं, मट्ठे के समुद्र हैं, घी के समुद्र हैं, दही के समुद्र हैं, और एक नहीं अनेक हैं, हमको तो हृदय का रस चाहिए। ईश्वर को
हर बरस ये जो माता के स्तन से जो दूध निकलता है वो माता के हृदय का स्नेह का रस है, ये सिवा माँ के और कहीं से मिल नहीं सकता हो। ये माँ की अद्भुत प्रीति है, अद्भुत प्रीति, दिव्य प्रीति है माँ के। इस वात्सल्य का आस्वादन करने के लिए तो बोले फिर मैया को बुला लेते, तो देखो ना फिर बड़प्पन आ जाते। ये बड़प्पन की बात है, बड़े लोग कैसे करते हैं, तो कथा वार्ता सुनने के लिए जाते नहीं है। मैं पांच चार बड़ों का नाम मालूम है, वो कथा वार्ता के प्रेमी है ना, और बंबई में भी है, बाहर भी है, दूसरी जगह, लेकिन वो कहीं जाके कथा नहीं सुन सकते। क्यों? तो उनके बड़प्पन के खिलाफ है। उनको कथा सुनना होगा तो कथा वाचक को, जैसे ट्यूशन के मास्टर को बुलाते हैं ना अपने घर में, है ना, ट्यूशन। अब देखो अभिमान जब तक कम नहीं होगा, आजकल हमारे अध्यापक लोग जब जाते हैं ना ट्यूशन करने के लिए, तो लड़के जानते हैं कि हमारे बाप के से तनख्वाह लेते हैं, है ना, और शिकायत करते हो कि इन्होंने ये नहीं पढ़ाया और ये ठीक समय से नहीं आए। वो श्रद्धा वाली बात, वो गुरु वाली बात नहीं होती है। बच्चे एक दोष देखते हैं, और ये जो अध्यात्म का मार्ग है ये तो कोई ट्यूशन करने वाले से कोई सीख ले, कि अपने घर में मास्टर बुलाओ और वो हमको योग भाव से पढ़ाए जाएंगे और उस योग भाव से को पढ़ करके हम समाधि लगा लेंगे। इसकी उम्मीद मत रखना हो कि जो भाव लाके तुम्हारे घर में मास्टर साहब पढ़ा जाए और तुम्हें समाधि लग जाए, तो होने वाला नहीं है। तो बोले आकर के हमारे घर में कोई ग्रहदा रहेगा तो उपनिषद पढ़ा जाए और हमको ज्ञान हो जाए, तो उपनिषद पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। उसके लिए एक मानसिक प्रक्रिया होनी पड़ती है ना, एक जो मानसिक, जिस मानसिक प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है मनुष्य को, जिसमें अभिमान भी टूटे, जिसमें श्रद्धा भी बढ़े, है ना, वो प्रक्रिया कैसे बनेगी? जब छोटे नहीं बनोगे, जाओगे नहीं, सिर नहीं झुकाओगे, श्रद्धा नहीं करोगे, तो जो मानसिक प्रक्रिया ज्ञान के लिए भीतर भीतर होनी चाहिए ना, रसायन पकने के लिए, रसायन तैयार होने के लिए, वो प्रक्रिया नहीं बनेगी। इसलिए जाके सुनना चाहिए। और मैया मानो तो माँ है। एक दिन मैं बेट के घर इलाहाबाद गया हूं, तो दोनों हमारे बहुत परिचित, तो मैंने कहा प्यास लगी है, मेरे बहुत प्रेम थे, ज्यादा ज्यादा परिचय ना हो तो पानी भी काय कमाए, तो लड़की बैठी थी वहां, है ना, एमए पास लड़की थी और अनपढ़ माँ थी, दोनों बैठी थी पास पास। तो जब मैंने लड़की से कहा कि पानी ले आओ, तो लड़की ने कहीं माँ की ओर देखा, है ना, और माँ उसके गई बिचारी पानी ले आई और लड़की बैठी रही, बोला तो अब लड़की में तो बड़प्पन है, माँ में उतना बड़प्पन नहीं है। तो श्री कृष्ण यशोदा मैया के पास आए, आसाध्य का अर्थ है खुद आए हो, चलते आए, और श्री सुबोधनी जी ने तो ऐसे बताया है कि जब आए तो दोनों हाथ खिलाते आए, दोनों पांव नचाते आए, हैं कुंकू कुंकू कुछ ऐसे बोलते आए, मैया बोलते आए, कहीं कमर हिलाते आए, तो सर्वांगम चालयन, ऐसा वर्णन आया है कि जब मैया के पास दूध पीने के लिए आए तो पांव से लेकर के सिर तक अचल भाव कहीं नहीं था कृष्ण में, बिल्कुल चल भाव था, है ना, अचलता नहीं थी, हो चंचल होते आए, चंचल हो गए। जो समाधि लगाता है और प्रेम चंचल बना देता है। बोले ईश्वर किससे मिलता है? दोनों में ईश्वर है, दोनों से मिलता है। जरा समाधि लगने से निराकार ईश्वर मिलता है और प्रेम की चंचलता से साकार ईश्वर मिलता है ना, तो चलता। और ईश्वर कहो निराकार है कि साकार है? क्या ईश्वर निराकार भी है, ईश्वर साकार भी है, ईश्वर दोनों से विलक्षण भी है ना, ईश्वर दोनों है, दोनों से विलक्षण है, परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयत्व ईश्वर का लक्षण है। तो हाथ हिलाते, कमर हिलाते, पांव पांव हिलाते, हैं, और पांव पांव कटकते और सिर हिलाते और मैया मैया करते, आसाद
तो भाई आए क्यों? बोले जो मंथन करेगा उसके पास आएंगे। अगर मैया मतती न होती, उनकी सेवा के लिए काम न करती होती तो कृष्ण नहीं आते, हो तो लेटे रहते पलंग पर, मैया को जाके जगाना पड़ता। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए हाथ पांव खींचता है उसके पास ईश्वर स्वयं आता है, और जो ईश्वर के लिए हाथ पांव नहीं खींचता है, व्याकुल नहीं है, उसको जाना पड़ता है। वो ये नियम यही है। बोले ईश्वर है सब जगह, सब समय, सब में, लेकिन मिलेगा उसको जिसके हृदय में उसके लिए व्याकुलता होगी। तुम्हारी आंख में ईश्वर के लिए कभी कभी आंसू आते हैं? ईश्वर के लिए कभी हृदय में कोई हरकत, कोई स्पंदन होता है? शरीर में कभी रोमांच होता है? कभी कंठ गदगद होता है? कभी दिल पिघलता है? नारायण कहो, रो रो के संसार के लिए अपने दिल को, दिमाग को, जीवन को चौपट कर लिया, ईश्वर के लिए चार आंसू भी नहीं आते हैं जीवन में? चोरी करें निहाय की, करें सुनी का दान, ऊंचे चढ़ के देखते है कब आए बीमार। तो, अरे भाई कुछ तो ईश्वर के लिए कुछ तो करो। तो मतनती, अब जननी, जननी का अर्थ है क्या? कृष्ण के मन में ये भाव पक्का है कि ये मेरी जननी है, मेरी माँ है। बोले तो फिर मंथन करने से रोकेंगे? तो तू मेरी माँ है कि मखानी की माँ है? मथानी को तो लेके हाथ में दुलार करती है और हमको अलग खड़ा कर रखा है। जननी मेरी मैया है, पक्का भाव है। हरी ही ऐसा क्यों करते हैं? तो क्या जरूरत है? बोले हरी, हरी माने होता है हरण करने वाला, जो हर ले सो हरी। तो हर ले क्या हर ले? बोले दुख हर ले। पहली बात तो यही है कि जो दुख हरे सो हरी, हराती इति हरी। तो ये जो हरी होते हैं ये चार तरह के होते हैं। तो चार तरह के क्या? हरी माने हरण करने वाला हो। जैसे तुम घर में सो रहे हो और एक हरण करने वाला आया और चीज चुरा के ले गया सोते समय, और एक आया, एक तो दुकान पर बैठे रहते हैं, बड़ी बारीकी से हो तुम्हारे जेब का पैसा तुम्हारे ही हाथ से निकलवा के ले लेते हैं, वो बहुत भले मानुष के बीच में होता है। एक होते हैं चोर, एक होते हैं ठग, ये दोनों हरने वाले हैं। और एक होता है डाकू, वो लाठी मारी रख दो सब कुछ, तो वो भी हरी हरण करते हैं। पर ये कौन सा हरी है? ये पश्यतो हरा है ना, देखते रहो, है ना, न तो चुरावे और न तो ठगे, न तो डंडा मारे, है ना, प्रेम से इसकी ओर देखो और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा दिल निकल के इसके साथ चिपक गया, पता नहीं चलेगा। ऐसा तेरी गली में आके खोए गए हैं दोनों, दिल तुमको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। तेरी गली में आके खोए गए हैं दोनों, दिल तुमको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। तो ये प्रेम की गली है भाई, इसमें ये हरी जिसके सामने आके हंस दिया उसका दुख छिन गया, दुख नहीं रहा उसके। बोले दुख ही नहीं पाप छिन गए दुख के कारण। बोले पाप नहीं छिन गया, पाप का जो कारण अभिमान है वो छिन गया। अभिमान ही नहीं, अभिमान का कारण जो अविद्या है, अज्ञान है, वो छिन गया। सर्वस्व ये हरी, हरी माने ये हरी बड़ा व्यापक शब्द है, वो हरति ये हर ले सो हरी। इसके बिना देखो शास्त्र लोग है ना, वो हरीम बोलते हैं, हरी ये महामाया का मंत्र है, हरी ये हरी है, वो हरीम, हरीम हरीम को ही हरीम बोलते हैं। और मुसलमान की तो बात आप जानते ही हैं, उनको उलटने में ही मजा आता है ना,
उनके यहाँ तो नियम है ये कि ये काम कैसे करना, बोले हिंदुओं का मालूम कर लो, वो जैसे करते हैं उससे उलट दो। तो उन्होंने हरि को क्या बनाया, रहीम बना लिया, हो हरिम को हरीम को रहीम बना लिया, रहीम बड़ा बढ़िया सुंदर नाम, रहीम माने दयालु, जिसके अंदर रहम हो, जिसके अंदर रहम हो उसका नाम रहीम, तो हरी है ये, प्रेम से बिल्कुल भरा हुआ, ये हा माने हृदय को, जो दे दे दूसरे को ईश्वर को, तो दूसरे लोग अपना दिल देने में थोड़ा डरते हैं, तो कहीं हमारा नाश ना हो जाए, और ये ईश्वर है ना, ये अपना हृदय किसी को देने में डरता वरता नहीं है, क्योंकि ये जानता है कि नाश तो कहीं होने वाली वाला नहीं है। तो हम माने हकारों का लक्षितम हृदय, हम माने हकारों का लक्षित हृदय, और उसको जो राति ददाती, हम राति ददाती इति हरि। तो ये मैया से दूध लेने नहीं आ रहे हैं, ये मैया को अपना हृदय अर्पण करने आ रहे हैं, मैया मैं तेरा तू मेरी, मैं तेरी तू मैं तेरा तू मेरी मैया, मैया तू मेरी मैया है और मैं तेरा लाला हूँ, इसके लिए आ रहे हैं। अब देखो और ममता, गृहीत्वा जननी कहने का अर्थ है अत्यंत ममता है, मथनंती का अर्थ है साधन संपन्न है, और स्तन्य काम आसाध्य, जहाँ साधन होता है वहां ईश्वर के मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि हम इसको प्राप्त करें। भागवत का जो ईश्वर है ना, वो तो बड़ा इच्छुक है, हो वो चाहता है कि हमको हमारा प्रेमी मिले, और रामायण का जो ईश्वर है उसका सिर सीधा रहता है और मुकुट भी सीधा रहता है, आप जानते हैं कि नहीं, सिर सीधा मुकुट सीधा, और बस चार हाथ तक देखता है आगे का नहीं, उसके सामने चलते 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 जब तुम चार हाथ दूर उससे रह जाओगे तब वो तुमको देखेगा और मुस्कुरा देगा, बोला आओ प्रसन्न। और ये महाराज जो वृंदावन वाला है ना ठाकुर, इसके तो मुकुट भी टेढ़े, जानते हो आप मुकुट टेढ़ा, टुड्डी टेढ़ी, काके भी आई, गला टेढ़ा, कमर टेढ़ी, घुटने टेढ़े, पांव टेढ़े, और ये महाराज वो निशाना लगाता है आंख का, ये चार हाथ नहीं चार कोस तक देख ले जरा, इसका निशाना बहुत दूर तक, टेढ़ी आंख वाला है, टेढ़ी टेढ़ी रे नजरिया, तेरी बाकी रे नजरिया, बोलते हैं कि तेरी नजर बाकी है दूर दूर तक, ये खींचता है लोगों को। कृष्ण शब्द का अर्थ है ना, राम शब्द का अर्थ है रमता है, राम में आराम है और कृष्ण में खींचना है, ये चुंबक है, ये आकर्षण है, ये जो इसकी ओर न देखे उस पर कंकड़ी फेंक देता है, ये कृष्ण में ज्वाला है।